दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर एक नई अपडेट है। अतिथि शिक्षकों के वर्तमान में उनकी पोर्टल आईडी पर एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन, पैनल का वेरिफिकेशन, एमपीटेट का वेरिफिकेशन, तमाम तरह के काम चल रहे हैं और इस पर अतिथि शिक्षक परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन उनकी यह परेशानी आगामी समय में उनके लिए बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। अतिथि शिक्षकों के लिए जो नई नीति बन रही है उस पर किस प्रकार से संभावित लाभ मिलेगा, यह आपको वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं तो लगातार चैनल को सपोर्ट करिए, ज्वाइंट मेंबर बनकर वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी आवाज़ को ऊपर के अधिकारियों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि किस प्रकार से आगामी समय में अतिथि शिक्षकों को जानकारी बताएंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अतिथि शिक्षक वर्तमान में जो परेशान है, आखिर उनका आगामी समय में क्या होगा, अतिथि शिक्षकों का अब क्या होगा, एक सवाल है जो कि वह जानना चाहते हैं। लेकिन जो जानकारी आई है, सूत्रों से अपडेट आया है, उनका यहाँ पर किस तरह से नीट वगैरह बनेगी, किस तरह से लाभ मिलेगा, वो यहाँ पर बताया हुआ है। अब अतिथि शिक्षकों का क्या होगा, अब अतिथि शिक्षक, अब इनका जो नाम है वह भी बदलने वाला है। संभावना यह है कि अतिथि शिक्षक की जगह अब योग शिक्षक होगा। जो जानकारियां अपडेट हो रही हैं उसको लेकर जो नए तरह के अपडेट है वह आपको एक बार ज़रूर जान लेना चाहिए। अतिथि शिक्षकों का अब नाम, नया नाम जो है वह योग शिक्षक होना है। अब ये होगा जानकारी अपडेट करने के बाद, यानी जो जानकारियां अभी जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से अपडेट हो रही है, पैनल की, एमपीटेट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी, तो ये उसके बारे में लेटेस्ट आज का 20 मार्च का अपडेट है, इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक जान लेंगे। ये संभावना है, इस पर ऑफिशियल मोहर नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से अपडेट है उसके अनुसार यही होने वाला है। अतिथि शिक्षक की जानकारी अपडेट हो रही है, ये सब जानते हैं। अब इनको क्या लाभ मिलेगा, एक सवाल अपने आप में होता है। अतिथि शिक्षक का नाम बदला जाएगा, इनका नाम बदल कर योग शिक्षक किया जाएगा। योग शिक्षक क्योंकि लंबे समय से यह काम कर रहे हैं, कई सालों का अनुभव, 15-16 सालों का इनको अनुभव है। वहीं नियमितीकरण नीति का लाभ दिया जा सकता है अतिथि शिक्षकों को, ये जान लें। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की पंचायत बुलाई, उसमें ऐलान किया था, विभागीय परीक्षा वगैरह जो भी उन्होंने कहा था। तो कुल मिलाकर जो ये क्राइटेरिया बदलेगा उसमें नियमितीकरण नीति का लाभ अतिथि शिक्षक पा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 20 अंक जो कि उस घोषणा में बात कही गई थी उसी का अपडेट है कि 20 अंक उनको मिल सकते हैं 5 साल के 4 नंबर प्रतिवर्ष, और 50% का आरक्षण अतिथि शिक्षकों को जल्द ही मिल सकता है भर्तियों पर। साथ ही पात्र अतिथि शिक्षकों को क्या, जो पात्र हैं, किस क्राइटेरिया के पात्र हैं, तो जो पात्र पाए जाते हैं उनको 1 साल का काम मिलेगा। अभी वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को 10 महीने, 9 महीने, 10 महीने का काम रहता है, 2 महीने जो छुट्टी होती है, उसके बाद जो जून का महीना होता है उसमें फिर जुलाई में भर्ती होती है, तो 2 महीने उनका बेकार जाता है। तो 1 साल का काम अब हो सकता है अतिथि शिक्षकों का, तो यानी 12 महीने का पेमेंट होगा। उसके बाद बीमा का लाभ, सीएल मिलेगा, ईएल मिलेगा, यानी ये छुट्टियां हैं। नियमित शिक्षकों को जिस प्रकार से अवकाश मिलते हैं उन अवकाश के लिए अतिथि शिक्षक एलिजिबल हो जाएंगे। बीमा का लाभ यानी पैसा कटेगा उनका भी, और उनको भी लाभ मिलेगा जो है बाहर होंगे साल भर के बाद विद्यालय से। तो यहाँ पर सीएल, ईएल, अवकाश, साथ ही साथ इनको जो पद होगा वो यहाँ पर उस पद से वो बाहर नहीं होंगे, 1 साल के लिए फिक्स रहेंगे, अगले साल भी उन्हीं को यथावत रखा जाएगा। स्थानांतरण का लाभ यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा, यानी अगर कोई चाहता है तो वह दूसरी स्कूल में पोस्टेड हो सकता है, वहाँ का अतिथि शिक्षक दूसरे स्कूल में जा सकता है। महिला अतिथि शिक्षकों के लिए प्रसूति अवकाश का लाभ मिलेगा, और पुरुष अतिथि शिक्षकों के लिए भी जो निर्धारित नियम के अनुसार है उसको भी लाभ मिल सकता है। विषयवार और वर्गवार पात्रता के बारे में अगर हम बात करेंगे, देखिए काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो किसी दूसरे विषय में पढ़ा रहे हैं, साथ ही पास किसी अन्य विषय में है, और उन्हें योग्यता के अनुसार लाभ दिया जाएगा। तो ये बात आप भी जानते हैं कि पास आप किसी अन्य
वर्ग में है, अन्य विषय में है, और आप पढ़ा किसी अन्य वर्ग में है, विषय में है, तो यहाँ पर इस तरह से लाभ पात्रता परीक्षा पास को विषयवार वर्गवार चिन्हित कर उनको उस हिसाब से पदस्थ किया जाएगा। तो ये नीति यहाँ पर बनने वाली है। साथ ही जो अतिथि शिक्षक उसी पैनल व उसी विषय में पात्रता रख रहे हैं वे उसी स्कूल में रह सकते हैं, पदस्थ हो रहेंगे यहाँ पर। तो इस वाले के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो अतिथि शिक्षक जो जिस पैनल में है और वहाँ पर पात्रता अगर है उनकी, जो RTE राइट टू एजुकेशन के नियम है उस नियम का वो पालन करते हैं तो यथावत रहेंगे। नया नाम क्या रहेगा, यहाँ पर एक सवाल आता है। तो पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण को करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि उनके लिए विभागीय परीक्षा का यहाँ पर जो नीति बनेगी उसमें प्रयोजन रहेगा। और जो MPTET अभी से क्लियर हैं तो ऑलरेडी क्लियर हैं, उनको पहले स्टेप पर ही लाभ मिलने की पूरी संभावना है। और जो परीक्षा अनुत्तीर्ण हैं उनको विभागीय परीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं। साथ ही पैनल से आपके अनुभव का हुआ विषय की समीक्षा की जाएगी। और यहाँ पर अंततः जिला स्तर पर उच्च पद प्रभार के कारण यहाँ पर चॉइस फेलिंग है, लेकिन विषयवार वर्गवार योग अपने ही शाला में काम करेंगे यहाँ पर। तो इस चीज़ को मैं स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पर देखिए जिला स्तर पर उच्च पद प्रभार के कारण जो अतिथि शिक्षक बाहर हैं, अगर वो ट्रांसफ़र भी लेना चाहते हैं अतिथि शिक्षक या नियमित शिक्षक आ जाता है तो उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र, जिसका गेस्ट फैकल्टी कॉलेज के अतिथि विद्वानों के लिए व्यवस्था बनी हुई है कि अगर उनकी जगह कोई आता है तो उनको दूसरी जगह, या फिर यहाँ पर ऐच्छिक एक ट्रांसफ़र हुआ करता है कि दूसरी जगह से अगर कोई आ रहा है तो यहाँ पर, यहाँ से कोई जा रहा है वहाँ पर, तो उसकी अदला बदली कर सकते हैं। उसे वही सिस्टम स्कूल के अतिथि शिक्षकों के लिए भी बनने जा रहा है। पात्रता परीक्षा पास को विषयवार वर्गवार चिन्हित कर उनको पदस्थ किया जाएगा अलग अलग स्कूलों पर जहां पर हुए हैं। पहली प्राथमिकता तो वहीं पर रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश है 2018 का कि अगर जब तक कोई भी नियमित शिक्षक नहीं आता है, लेकिन जब नई नीति बनेगी तो ये पुराने तो यथावत रहेंगे ही, और नई नीति के तहत अगर वह एलिजिबल होते हैं तो उनको इस व्यवस्था के अंतर्गत भी लाया जाएगा। वहीं पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण को अभी विभागीय परीक्षा का इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप जान लें, सभी अतिथि शिक्षक जो अतिथि शिक्षक उसी पैनल में उसी विषय में पात्रता रखते हैं उसी स्कूल में रह सकते हैं, पदस्थ हो सकते रहेंगे। पैनल आपके अनुभव व विषय की यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। मान लीजिए इस चीज़ को मैं स्पष्ट कर दूँ कि पैनल की बार बार बात आ रही है, पैनल से मतलब है मान लीजिए वर्तमान में वर्ग एक अतिथि शिक्षक के रूप में आप पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वाई होता है जितने भी विषय आर्ट के या साइंस किसी भी विषय में, पात्रता की बात जब आती है तो आप पढ़ा वर्ग एक के किसी विषय में रहे हैं, लेकिन आप MPTET का जो एग्ज़ाम है वो वर्ग दो का निकाले हुए हैं, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, उसी का पैनल की बात हो रही है कि, लेकिन यहाँ पर एक नियम और बन सकता है, ये आप जान लें, जो संभावना जताई जा रही है कि अतिथि शिक्षक वर्ग 3, 2 या फिर एक किसी भी कैटेगरी का अगर पात्रता परीक्षा पास है तो उनको लाभ मिलेगा, ये आप जान लें। जो नहीं पास हैं उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन उनका विभागीय परीक्षा के लिए जो नीति बनेगी उसके अनुसार उनको लाभ मिलेगा, ये चीज़ सभी अतिथि शिक्षक जान लें, लाभ सभी को मिलेगा। लेकिन पहला स्टेप जो होगा, जो क्वालिफाइड है पहले से उनको रखा जाएगा, जो पुराने क्राइटेरिया में है वो सभी यथावत रहेंगे, और नया वैकेंट जो होगा वो MPTET क्लियर जिसका होगा वही वहाँ पर रहेगा। जो पुराने पहले से लगे हुए गेस्ट हैं, अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं, तो अगर वो पात्रता MPTET की रखते हैं तो उनको ये जो लाभ आपको बताए हैं गुरु माध्यम से संभावना है केवल, तो ये लाभ उनको मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, इस बारे में आपकी कोई राह सुझाव हो उसको बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट करें ज्वाइन मेंबर बनके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।